शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की यह पवित्र कथा वर्णन कर रही है कि विश्वास हर किसी पर नहीं किया जाता। प्रेशर खोलो, अंदर का भी प्रेशर नहीं आ रहा। विश्वास हर किसी पर नहीं किया जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार के लोगों पर, संसार वासियों पर, दुनिया के लोगों पर अगर विश्वास करेंगे, दुनिया के लोगों पर यदि हम भरोसा करेंगे तो हमारा भरोसा एक दिन टूटेगा जरूर। दुनिया पर अगर हमने भरोसा किया, दुनिया पर अगर हमने विश्वास किया तो हमारा भरोसा टूटेगा जरूर। पर यदि हमने भगवान देवाधिदेव महादेव पर भरोसा किया, भगवान शंकर पर विश्वास किया, तो ये निश्चित है वो भरोसा कभी टूटता नहीं है। शंकर हमारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता जरूर है। दुनिया में बहुत सारे दानी होंगे, बहुत सारों को दानी कहा जा सकता होगा, जो अन्न का दान करता है उसको भी दानी कहते हैं, जो वस्त्र का दान करता है उसको भी दानी कहते हैं। स्वर्ण आभूषण, भूमि, कन्या, गौ, ऐसे सारे दानों का वर्णन है और आप और हम उनको दानी की गिनती में लेते हैं कि वो दानी है। पर भगवान देवाधिदेव महादेव को दानी नहीं, भगवान शंकर को, मेरे शिव ओघड़ दानी को महादानी कहा जाता है, क्योंकि दानी और महादानी इन दोनों में बहुत अंतर। दानी में और महादानी में एक बहुत बड़ा अंतर। दानी दान कर दिया, दानी ने कुछ दे दिया, दानी ने कुछ प्रदान कर दिया, दानी ने कुछ दिया, दानी ने कुछ प्रदान किया और देकर भूल गया। मेरे ओगड़ दानी भगवान शंकर को महादानी कहा जाता है। महादानी का मतलब यह होता है कि अगर किसी को कुछ दिया है मेरे शंकर भगवान ने, तो देने के बाद उसको छोड़ा नहीं है, मेरे शंकर भगवान ने उसको पकड़कर अपना बना लिया और जिंदगी में उसका खजाना कभी खाली नहीं करा। दानी और महादानी दोनों में अंतर। अन्न दिया दानी कहला गए, वस्त्र दिया दानी कहला गए, आभूषण दिया दानी कहला गए, ये सब दानी के लक्षण है। आपने जो दिया वो दानी है। पर महादानी उसको कहते हैं कि देने के बाद जो छोड़े ना। शिव महापुराण में शंकर भगवान को दानी महादानी कहा गया है, तो साथ में माता पिता को भी महादानी कहा गया है। आपके घर में जो बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, आपके और हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, उनको भी महादानी कहा गया। क्यों, इसलिए क्या कारण हुआ कि शंकर भगवान को तो महादानी कहा गया, साथ में जितने भी घरों में बुजुर्ग माता पिता बैठे रहते हैं, जितने भी घर में बुजुर्ग बैठे हैं, इनको भी महादानी कहा गया। उसका कारण क्या है? एक, शंकर भगवान देने के बाद हाथ छोड़ते नहीं हैं और
अंतिम समय तक हाथ पकड़ कर रखते हैं, उसी तरह घर के बुजुर्ग माता पिता भी जिंदगी भर अपने बच्चों को देते हैं पर अपने बच्चों को छोड़ना पसंद नहीं करते, वो अपने बच्चों को संभाल कर। और शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। एक माता पिता घर के बुजुर्ग माता पिता कैसे होते हैं जिनको हम महादानी की गिनती में गिनते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता को हम महादानियों की गिनती में गिना करते हैं, उसका क्या कारण है? कारण क्या हो सकता है उसका? उसका केवल एक कारण है, महादानी की गिनती में इसलिए गिनते हैं क्योंकि जैसे शंकर भगवान देने के बाद हाथ छोड़ते नहीं हैं, उसीलिए मेरे भगवान को महादानी कहा गया। उसी तरह माता पिता भी अपने बच्चों को देने के बाद कभी छोड़ते नहीं हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसके साथ निभाने का प्रयास। फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण में आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने एक कथा विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी की सुनी होगी। विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी का नाम क्या था? जिन विदुर जी के दरवाजे पर, विदुरानी के दरवाजे पर भगवान कृष्ण केले का छिलका खाकर आ गए थे, विदुर विदुरानी के दरवाजे पर जाकर, विदुर विदुरानी की चौखट पर जाकर, विदुर विदुरानी के द्वार पर जाकर भगवान केले का छिलका खाकर आ गए। विदुर जी की पत्नी का नाम था सुलभा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, सुलभा। ये शिव की परम भगत थी। विदुर जी की जो धर्म पत्नी थी सुलभा, ये भगवान शंकर की बाल्यावस्था से बड़ी भगत। सुलभा के माता पिता सुलभा को पार्थिव लिंग का निर्माण करना सिखाते थे और ये अपने घर के बच्चों का संस्कार है। हम फिर निवेदन करेंगे, बच्चों को कार दिलाओगे तो वो बेच कर खा जाएंगे और बच्चों को संस्कार दिलाओगे तो वो कारों का लाइन लगा देंगे। आप बेटों को, बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ, आप बेटों की जिद पूरी करने के लिए उनको बंगला गाड़ी कुछ दो ना दो, पर इतना याद रखना कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें। जिस माता पिता के बच्चे संस्कारित होते हैं, जिस माता पिता के बच्चों में संस्कार होता है, वो माता पिता कभी जिंदगी में रोते नहीं हैं और वृद्धाश्रम की सीढ़ी पर चढ़ते नहीं हैं, उनकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। हम मोबाइल के चक्कर में, बच्चों को प्रेम करने के चक्कर में, स्नेह करने के चक्कर में, बच्चों को मोबाइल दे दो, मांगा ये दे दो, मांगा वो दे दो, मांगा ये दे दो, मांगा वो दे दो, हम बच्चों की केवल पूर्ति करते जाते हैं, उनकी जिद को पूरा करते करते जाते हैं। हम
बच्चों की जिद पूरी कर रहे हैं, पर यह अंदाजा हम लगा कर नहीं बैठे कि हम हमारी जिंदगी को लात मारते चले जा रहे हैं। बच्चों की जिंदगी पूरी करने में हम, बच्चों की जिद पूरी करने में हम अपनी जिंदगी पर लात मार रहे हैं, हम अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। शंकर भगवान क्या गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में नहीं गिन सकते थे? शंकर भगवान क्या अपने पुत्र का सम्मान नहीं करा सकते थे? पर भगवान देवदी ने, महादेव भगवान शंकर ने अपने बेटे को प्रथम गिनती में नहीं गिना। भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिक को, गणेश जी को प्रथम गिनती में नहीं गिना। कब गिना? जब कह दिया गणेश जी और सदानंद कार्तिकेय जी, जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ। पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओगे, पृथ्वी की अगर तुम परिक्रमा कर कर पहुंचोगे तो जो पहले पहुंचेगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाए। मतलब भगवान शंकर भी अपने पुत्रों से कह रहे हैं, भगवान शंकर भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा। आज का व्यक्ति क्या करता है कि मैं सिंहासन पर बैठा हूं तो मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे, मैं अगर आमदार बनाऊं, मैं अगर खासदार बनाऊं, मैं अगर विधायक बनाऊं, मैं अगर सांसद बनाऊं तो मेरा बच्चा भी विधायक और सांसद बने, मैं अगर किसी पार्टी का या किसी चीज का अध्यक्ष बनाऊं तो मेरा बच्चा भी अध्यक्ष बने, मैं अगर ऐसा हूं, मैं राजनेता हूं, मैं मंत्री हूं, संतरी हूं, कलंत्री हूं, मैं कोई पदाधिकारी हूं तो मेरा बेटा भी इस स्थान पर बैठे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं बन सकता, धर्मेंद्र का बेटा धर्मेंद्र जैसा नहीं बन सकता, सचिन का बेटा सचिन जैसा नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। सबका अपना अपना कर्म है। अपने भीतर की जो एक ज्योति है, अपने भीतर की जो एक ऊर्जा है, उसको स्वयं को जगाना है। सास क्या सोचती है? मेरी बहू मेरे जैसे बने। मैं अगर सुबह 4 बजे जाग रही हूं तो मेरी बहू 4 बजे जागे, मैं अगर 6 बजे जाग रही हूं मेरी बहू 6 बजे जागे, मैं इतना काम कर लेती हूं, घर में लिपाई पुताई दरवाजा ये वो सब साफ कर लेती हूं, बर्तन भांडे सब कर लेती हूं मेरी बहू भी करे, मैं अगर इतना कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूं मेरी बहू भी करे, मैं अगर ये कर लेती हूं तो मेरी बहू भी करे। हमारा निवेदन है सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, दुनिया में किसी का बेटा उसके जैसा नहीं बन सकता, तो तुम किससे आस लगा कर बैठे हो कि बहू तुम्हारी जैसी बन जाए? निवेदन है जो बहू आज के समय में आ रही है जितना कर रही है भगवान को धन्यवाद देना कि बहुत अच्छी भेजी है जो अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी बहू है जो इतना कर रही है। आने वाले समय की जो तुम्हारे छोटे छोटे पोता पोती है ना, इनकी जो जगत जननी आएगी ना जगदम्बा, तब मालूम पड़ेगा। एक मिनट तुम उसके साथ बैठ लो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज के समय की जितनी बहुएं हैं, मेरा सासुओं से निवेदन है जैसी बहू है भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहना कि तूने बहुत अच्छी दी है, कम से कम हमारे घर में हमारे साथ रह तो रही है। कोई किसी के जैसा नहीं होता। सास सोचे मेरे जैसी फुर्ती मेरी बहू में होना चाहिए, मैं फुर्ती फुर्ती काम कर लेती हूँ मेरी बहू फुर्ती फुर्ती काम करना चाहिए, मैं इतने लोगों का भोजन 50 लोगों का भोजन चुटकी में बना के रख देती हूँ, तो तुम सास हो वो बहू है। सास और बहू में अंतर है कि नहीं है? अपने जैसा मत सोचो कि बहू मेरे बराबर काम करे। सुबह 4 बजे मैं जगी हूं, बहू मेरे से पहले जगना चाहिए। मैं अपने सास को चाय पिला देती थी सुबह 5 बजे, तो मेरी बहू में मुझे चाय पिलाए सुबह 5 बजे। अगर बहू उठकर अपने बच्चों को सुबह से संभाल रही है, समझ लेना कि भगवान की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हमारे जैसा कोई नहीं बन सकता। और मेरी जीजियों, मेरी सास, जितनी माताएं बैठी हैं, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, तुम ओल्ड इज गोल्ड, तुम ओल्ड इज गोल्ड। जब तुम इतनी
पावरफुल हो, तुम गोल्ड हो, तो सिल्वर कैसे गोल्ड हो सकता है? मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, सास ये ना सोचे कि मेरी बहू मेरे जैसी बने, मेरी बहू मेरे जैसा काम करे, मेरी बहू मेरे जैसा, ना 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 ना, कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। समय की अवस्था में जो परमात्मा ने जन्म दिया है, एक कलेक्टर अपने बेटे को भी कलेक्टर बनाना चाहता है, पर जैसा पिता कलेक्टर है, बेटा कलेक्टर बन तो जाएगा पर बाप की होड़ नहीं कर पाएगा। ये नीति है, एक बाप सीए है अपने बेटे को सीए बनाना चाहता है, एक पिता इंजीनियर है अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, एक पिता थानेदार है अपने बेटे को थानेदार बनाना चाहता है, पर निवेदन है उसके जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में परमात्मा से जो प्राप्त कर कर लाया था वो केवल उस अकेले को मिला था। तुम्हारे जैसा गुण किसी दूसरे को नहीं मिला, तुम अकेले को मिला। तुम दूसरे से क्या होड़ करना? अपने बच्चों को सतमार्ग दिखाना, अपने बच्चों को सत्संग में ले जाना, अपने बच्चों को भगवत स्मरण में ले जाना, ये हमारे आने वाले समय को हम अच्छा बनाने का प्रयास कर, श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर। भगवान शंकर चाहते तो गणेश जी महाराज को प्रथम बना देते, पर भगवान शंकर ने गणेश जी को प्रथम नहीं बनाया। कब बनाया? गणेश जी जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कराओ, षडानन कार्तिके जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कराओ। अपना कर्म पूरा करोगे तो अपने आप प्रथम गिनती में गिने जाओगे, कर्म पूरा नहीं करोगे और तुम सोचो कि मेरे पिताजी के पास तो बहुत सारा धन है, मेरे मम्मी के पास तो बहुत सारा गोल्ड है, मेरे परिवार में तो बहुत दौलत है, मेरे परिवार में तो बहुत धन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये वो मंत्र है जो ये बता देता है कि तुम्हारे परिवार में कितना भी धन हो, पर तुम भगवान का जो नाम जाप करते हो, तुम भगवान का जो भजन करते हो, उसके बल से तुम्हारी किस्मत का भी धन तुम्हारे को प्राप्त होगा। तुम दूसरे पर आश्रित होकर नहीं, स्वयं पर प्रबल होकर बढ़ने का प्रयास करिए। स्वयं एक होती है लिफ्ट, खड़े हुए ऊपर चले गए, खड़े हुए नीचे आ गए। एक होती है लिफ्ट, दूसरी होती है सीढ़ी। तीसरे नंबर पर है पांव, अपने चरण। किस पर विश्वास करोगे? बोलो, जम के बोलो जरा। लिफ्ट पर, सीढ़ी पर कि अपने पांव पर? अपने पांव पर। अगर हमारे चरण भगवान ने अच्छे दिए हैं और हम में अगर बल दिया है तो कितनी भी सीढ़ी ऊपर चढ़ सकते हैं। किसी की लिफ्ट की जरूरत नहीं है, किसी की लिफ्ट की, अपने चरण पर बल रखिए। मैं चढ़ सकता हूं, मैं जा सकता हूं। लाखों में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है और लोग रोडों पर हैं, चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग। किसके भरोसे आए? कोई हम उतरेंगे और कोई हमको लिफ्ट दे देगा और यहाँ कथा स्थल तक छोड़ देगा, किसी के भरोसे आए हो? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सोच कर आए थे? कथा सुनने जा रही हूँ, शिव महापुराण की कथा है, कुबेरेश्वर बाबा कथा को सुनाने का आया है, कुबेर भंडारी की कथा है, कथा को सुनना है। और ये सबको मालूम है कि कम से कम आधा किलोमीटर एक किलोमीटर दूर गाड़ी रुक जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? सब तैयारी में रहते हैं, सबको मालूम है कि मुझे इतनी दूर रोक दिया जाएगा, लिफ्ट भी नहीं मिलेगी। आप समिति पर आश्रित होकर नहीं आए,
आप सीओर वाले महाराज पर आश्रित होकर नहीं आए हो, आप किसी अड़ोसी पड़ोसी पर आश्रित होकर नहीं आए हो, आप किस पर आश्रित होकर आए हो? आप अपने स्वयं पर आश्रित होकर आए हो कि मैं चलकर कथा के पंडाल तक जा सकती हूं, इतना मुझ में बल है। स्वयं की आश्रितता। जब आप स्वयं आश्रित हैं, अपने आप पर आश्रित हैं, तो दुनिया से क्या आस लगाना। हम दुनिया से क्या आस लगाना। आप सबसे निवेदन है, जितने बैठे हो, अपनी सास तुमको क्या देगी उससे आस मत लगाना, तुम्हारा ससुर तुमको क्या देगा तुम उससे आस मत लगाना, तुम्हारा देवर क्या देगा उससे आस मत लगाना, तुम्हारा जेठ क्या देगा उससे आस मत लगाना। एक पत्नी का पति कोरोना में चले गए, एक पत्नी का पति कोरोना में चले गया, पत्नी रो रही थी धाड़ धाड़ कर, खूब आंसू बहा रही थी। रिश्तेदार बोले, अरे बेटा बेटो बच्चों की ओर देख, बच्चों से आस लगा, बच्चों से आस लगा, जो होना था हो गया, बच्चों से आस लगा, तेरा बच्चा है उससे आस लगा। अब कोरोना में पति चले गया, दो चार साल बाद, दो तीन साल निकले और बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बेटा भी चले। अब परिवार वाले बोले, अरे बेटा परमात्मा से आस लगा, अरे बेटा परमात्मा से आस लगा, अरे बेटा कोई अपने शरीर को समाप्त कर देता है क्या, परमात्मा से आस लगा। इतने में बहू ने आंख में जल भरकर अपने रिश्तेदारों से कहा, जो तुम आज बोल रहे हो, पहले बोले कि पति से आस लगा, फिर बोला कि बच्चों से आस लगा, आखिरी में कहते हो परमात्मा से आस लगा, जो तुम अब बोले हो, अगर ये पहले बोल देते तो मैं सबसे आस छोड़कर उस भगवान शंकर से आस लगा कर बैठ जाती। अंतिम आस है शिव, अंतिम बिंदु है शंकर। बच्चों से निवेदन है, यहां जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितनी मेरे बच्चे बैठे हैं, नवयुवक बच्चे जितने बैठे हैं, आस मत लगाना कि तुम्हारे पापा क्या देंगे, तुम्हारी मम्मी क्या देगी, तुम्हारा काका क्या देगा, तुम्हारी काकी क्या देगी, तुम्हारे रिश्तेदार क्या देंगे। आस मत लगाइए, आप अपने अंदर ऐसा बल उत्पन्न करिए कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ूंगा तो ये निश्चित है कि मैं भगवान भोलेनाथ से कहता हूं कि बाबा मुझे किसी के भाग्य का मत देना, देना तो मेरी किस्मत का देना, और इतना देना कि मैं दुनिया को लुटाता रहूं। एक पत्र है, मेरा नाम अमोद चौहान, पत्नी श्री प्रदीप कुमार चौहान, निवासी शरुत्रीपुरम सिकंदरा आगरा की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। मेरा नाम अमोद चौहान, पत्नी प्रदीप कुमार चौहान, निवासी शास्त्रीपुरम सिकंदरा आगरा की रहने वाली हूँ। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे, एलईडी पर दिख रहा है पत्र? एलईडी वालों बोलो तो, दिख रहा है? शास्त्रीपुरम सिकंदरा आगरा की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा भोलेनाथ का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरा बेटा शिवम चौहान, जो शुरू से अपनी कक्षा में, हाई स्कूल, इंटर, बीटेक में, हमेशा अपने कॉलेज में द्वितीय पोजीशन पर आता रहा, सन 2016 में बीटेक मैकेनिकल ब्रांच से किया था, पर 2023 तक भी गुरुदेव, 2022 तक भी उसकी कोई नौकरी नहीं लगी थी। सरकारी नौकरी के लिए वो अप्लाई करता रहा, आखिरी में हार गया और उसने विचार कर लिया कि अब मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हमने हमारे बच्चे से कहा कि तू चिंता क्यों करता है, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को चार गुना करो, पढ़ाई को और बढ़ाओ, मेहनत चार गुनी करो, पढ़ाई बढ़ाओ,
और धीरे धीरे ऐसी मेहनत करो कि बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बेटे ने 2022 में फिर वापिस अप्लाई किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे का रेलवे में सर्विस लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा बेटा रेलवे के 3 पोस्ट अकाउंटेंट सेक्शन ऑफिसर और ट्रेन मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिवजी को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। ये विश्वास हमें दूसरे का धन नहीं, हमें दूसरे की संपदा नहीं, हमें दूसरे का वैभव नहीं, हमारी किस्मत का हमको चाहिए, हमारी मेहनत का हमको चाहिए। अपनी मेहनत का करो। एक एक गीत बहुत पहले लोग गुनगुनाते थे कि दुनिया में हम आए हैं तो, जम के बोलो जरा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। संसार में आने के बाद में ये विचार छोड़ दीजिए कि आपको कोई कुछ देगा। संसार में मृत्यु लोक में आने के बाद ये विचार कर लीजिए कि दुनिया आपसे लेगी। और भगवान से भी यही प्रार्थना करना, मेरे ओगड़दानी भगवान शंकर से ये प्रार्थना करना कि मुझे ऐसा बनाकर रखना कि मैं दुनिया को देता रहूं, दुनिया को देता रहूं। मेरे हाथों में वो बल देना, मेरे हाथों में वो धन देना। अभी भारत के रत्न टाटा बिरला जी, रतन टाटा जी, अभी भारत के रत्न शांत हुए, प्रभुलीन हुए। इतने सेठ हैं दुनिया में, ना जाने कितने करोड़पति आए होंगे, कितने करोड़पति चले गए होंगे, पर आज भी रतन टाटा जी को लोग क्यों याद कर रहे हैं, क्यों इतनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि, क्यों उनको स्मरण किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई का अपने हाथों से खूब दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, तो भगवान ने भी देने में उनको कमी नहीं रखी और बड़ा कर देते। पुण्यता, ये फिरोजाबाद वालों को मौका मिला था, ये 5 दिन की कथा को करवाना, 5 दिन की कथा श्रवण करना, 5 दिन की कथा में अपने तिजोरी का खजाना खोलकर आकर इन शिव भक्तों को, अभी तक तुम्हारे फिरोजाबाद में देवी भक्त आए होंगे, अभी तक तुम्हारे फिरोजाबाद में अन्य भक्त आए होंगे, पर फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर इतिहास रचा है इस कथा ने कि लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं। हमने उनको पानी पिलाया, हमने उनको बिस्कुट खिलाया, हमने उनको टॉफ़ी खिलाई, हमने उनको क्या खिलाया, ये जितने टॉफ़ी बांटने वाले हैं, पानी पिलाने वाले हैं, बिस्कुट खिलाने वाले हैं, इनसे आप पूछना जरूर, क्या इनको शंकर भगवान ने कुछ दिया? ये बच्चे, ये माताएं, ये भाई एक बात जरूर कहेंगे कि हमने कथा में सुना है कि कथा के पंडाल में जिस जगह पर कथा होती है वहां शंकर 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आकर विराजमान होता है। वहां जितने शिव भक्त होते हैं उनका मुख झूठा कराने से कभी घर में संपदा की कमी नहीं आती, ये उनकी चित्त वृत्ति में भरा। मौका मिला था हाथों से खिलाने का, पिलाने का, आओ पानी पिला। हम देख रहे थे कल यहां से जा रहे थे, जब हम देख रहे थे लोग पानी के बड़े बड़े टंके, नीले कलर की टंकियां लोडिंग गाड़ियों में रखकर जग से लोगों को प्लास्टिक के डब्बों से पानी पिला रहे थे, हमने उनको देखकर अपना थंब दिखाया, बहुत बढ़िया, ये जिंदगी की सार्थकता है तुम्हारी। क्या दे रहे हो, किसको दे रहे हो, अपना कर्म करो। और भगवान भोलेनाथ से कहना कि मुझे किसी दूसरे के भाग्य का मत देना, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव,
मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना। मेरे बाबा अगर देना, मेरे शंभु मेरे शंकर अगर देना तो तुम मेरे भाग्य का देना। शंकर भगवान महादानी कहलाते हैं, शंकर भगवान को महादानी कहा जाता है। पर भगवान शंकर ने एक ही बात कही कि गणेश जाओ परिक्रमा कर कर आओ, कार्तिकेय जाओ परिक्रमा कर कर आओ। क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा मेहनत से आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति अपनी लगनता और अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, उसका पांव खींचकर कोई गिराने वाला पैदा नहीं हो पाता है, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। किसकी सामर्थ्यता? आप अपनी लगन से आगे बढ़ो, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, आप अपनी कर्म से आगे बढ़ो, और जितना कर्म कर कर आगे बढ़ सकते हो उतनी जिंदगी का सुख पाओ। आप बढ़िया आगे। विदुर जी महाराज की धर्म पत्नी सुलभा, जिनके माता पिता ने उनको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया, पार्थिव लिंग का पूजन विधान नियम। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस वो एक ही काम बताता है, बेलपत्री को ऐसे चढ़ाना, भस्म को ऐसे लगाना, जल को इधर खड़े होके चढ़ाना, कहीं कमलगट्टा चढ़ा देना, कहीं काली मिर्च चढ़ा देना, कहीं सरसों का फूल चढ़ा देना, कहीं शमी पत्र चढ़ा देना, कहीं बेलपत्र चढ़ा देना, कहीं अशोक सुंदरी पे चढ़ा देना, कहीं इस पे चढ़ा देना। सीहोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं। उनकी कथा में तो केवल लोग कह देते हैं, बोलने वाले, उनकी कथा में केवल टोटका मिलता है। हम कहते हैं टोटका मिलता है, पर एक बार दिल से कर कर तो देखो, फिर वो महादेव भी मिलता है। कौन कहता है? आप दिल से कर तो देखो। केवल सीहोर वाला महाराज नहीं बता रहा कि क्या कैसे करना है। हमारे यहां डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कहना, डॉक्टर साहब मेरे शरीर में कष्ट है, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी हो गई, मेरे शरीर में कष्ट हो गया। बोलो आप यहां इतने बैठे हो, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? मैं ये चार गोली लिख रहा हूं, ये वाली गोली सुबह खाना, ये गोली शाम को खाना, ये दिन में खाना, इस गोली को गर्म पानी से लेना, इस गोली को दूध से लेना, इस गोली को खाली पेट लेना। बोलो बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो जम के बोलो जरा, बोलता है ना? इस गोली को खाली पेट खाना, रात को खाना, दिन में खाना, सुबह खाना। तो क्या डॉक्टर टोटका बता रहा है? डॉक्टर टोटका बता रहा है, केवल गोली खाने का तरीका बता रहा है। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने, 18 पुराण में कहीं पर भी मेरे वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं बताया, पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, भागवत मेरे भगवान कृष्ण की है, राम कथा मेरे राम जी की है, शिव पुराण स्कंद पुराण कूर्म पुराण जितनी भी पुराण हैं उस पुराण में शंकर का तत्व है। इसलिए शिव महापुराण में मेरे भोले बाबा के लिए वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मतलब दवाई खाना है, एक साथ मत खा जाना, उसके खाने का तरीका है। उसी तरह शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका है, शिव को जल चढ़ाने का तरीका है, शंकर को रिझाने का तरीका है। उस तरीके से रिझाओगे तो शिव सुन ले, उस तरीके से रिझाओगे तो शंकर सुनेगा। ए, पत्र है। देखिए तरीके से अगर शंकर को रिझाया जाए तो मैं आयुष शर्मा सुदामा नगर जलेसर रोड फिरोजाबाद का निवासी हूँ। मैं कक्षा 11th का छात्र हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आयुष शर्मा सुदामा नगर जलेसर रोड फिरोजाबाद, मेरा मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी, मेरे पिताजी को 10 साल से चर्म रोग उनके हाथ पैर में आ गया। गुरुदेव हाथ पैर में जो चर्म रोग था वो साधारण रोग नहीं था, उनके हाथ की उंगलियों से पांव में से गंदा पानी निकलता रहता था। पड़ोस के लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। हम 3 भाई बहन, माता पिता जैसे तैसे पढ़ाई करा और अपना जिंदगी जिया। गुरुदेव पिताजी का
इलाज हमने आगरा के संजीवनी अस्पताल में कराया। संजीवनी अस्पताल में इलाज करवाया, डॉक्टर ने बोल दिया यह रोग आजीवन रहेगा, इस रोग को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाथ में से पाँव में से गंदा पानी निकलता था और धीरे धीरे हाथ पैर बेकार होते चले जा रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया बच्चों से दूरी बनाकर रखना, इनके झूठा मत खाना, इनका पानी मत पीना, इस तरह से डॉक्टर ने बोल दिया। हमारे सारे रिश्तेदार पड़ोसी सब ने संबंध तोड़ दिया। गुरुजी एक दिन हम आधार कार्ड निकलवाने के लिए CSC सेंटर जन सेवा केंद्र पहुंच गए। वहां पर पहुंचते ही हमने अपना आधार कार्ड निकलवाना चाहा, तो वहां पर जो भैया बैठे थे आधार कार्ड निकालने वाले, उन्होंने पिताजी को देखा, उनके हाथों से गंदा पानी निकल रहा था, पाँव से गंदा पानी निकल रहा था, तो वो देखकर समझ गए कि इनको कोई बड़ा रोग हो गया। गुरुजी उन भैया ने हमसे कहा जो कि आधार कार्ड बना रहे थे, उन्होंने कहा तुम सीओर वाले महाराज की कथा सुनते हो? हमने कहा नहीं। एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को रोग ज़्यादा हो गया है, तुम सीओर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ करो। गुरुजी हम आपको नहीं जानते थे, हमने आपकी पहली कथा उन आधार कार्ड बनाने वाले CSC सेंटर जन सेवा केंद्र के भैया के कहने पर सुनी। पहली बार कथा सुनकर आपने शंकर के मंदिर में जाने का बोला, हम शंकर के मंदिर में जाना चालू करे पर हमसे लोग दूरी बनाते थे, मेरे पिता से दूरी बनाते थे, परंतु मेरे पिता नहीं जा पाए, हम जाकर शिव को जल चढ़ाते, वो जल लाकर हमारे पिताजी को देते। 10 साल से बीमारी थी गुरुदेव, हम जल लाकर पिताजी को देते, उनके पूरे शरीर पर लगवा देते, जल उनको पिला देते। बेलपत्री का महत्व क्या है गुरुजी? दुनिया के लोग तो पहले बेलपत्री को मंदिर से उठाकर फेंक देते थे, आज के ज़माने में बेलपत्री मंदिर में मिलती नहीं है, हम एक बेलपत्र उठाकर लाते अपने पिताजी को दे देते। जो बीमारी 10 साल से थी मेरे गुरुदेव, वो बीमारी 3 महीने के अंदर मेरे बाबा ने समाप्त कर दी, मेरे पिता ठीक हो गए। मेरे पिता ठीक हो गए और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि हमारा जो लाखों रुपया लग रहा था सब सारा रुपया बाबा ने बचा दिया, और 10 साल से जो बीमारी थी वो 3 महीने के अंदर ठीक हो गई। अब उनके हाथ पैर से पानी नहीं निकलता और उनका शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया। श्री शिवाय। और लुटा दिया भंडार काले, कर दिया माला काशी वाले। और जी कह रही है एक तरफ पति के शरीर में रोग, दूसरी तरफ बच्चों को खाने के लिए बिलाले पड़ गए थे, कुछ नहीं था। तो कह रही है घर का पूरा सामान हमने बेच दिया था बीमारी में, भोजन के भी लाले पड़ गए, पर वो आधार कार्ड बनाने वाले को धन्यवाद देती हूँ। वो बोल रही है कि उसने हमको बताया कि एक लोटा जल का महत्व क्या है, आज बाबा ने हमको वापिस सब कुछ दे दिया और सब ठीक भी कर दिया। ये शिव है शंकर, इसमें सीओर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी लगन सब कुछ करेगा। अब जाओ ना शंकर की शरण में, अब क्यों दुनिया के चक्कर में पड़े हो, आप शिव के पास जाते क्यों नहीं हो, शंकर के पास जाओ, उस ओगड़ी के पास जाओ। बहुत अलग है शिव महापुराण की कथा, दुनिया के महाराज कथा करते हैं तो सबको अपने से जोड़ना चाहते हैं, और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है, ये व्यासपीठ
आपको शंकर से जोड़ना चाहती है, अपने से नहीं, शिव से जुड़ो। जब कोई नहीं आता भोले बाबा, जब कोई नहीं आता भोले बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो हमारा संबंध हम शिव से जोड़ लें, हमारा नाता रिश्ता हम शंकर से जोड़ लें। और जुड़ेगा कब? जब हमारा विश्वास प्रबल होगा, जब हमारा भरोसा प्रबल होगा, जब हमारी दृढ़ता प्रबल होगी। कल एक बहन ने मैसेज करा है कुरुक्षेत्र से सीहोर कि गुरुजी को कहना हमने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब गुरुजी गुड़गांव में कथा करने के लिए आए, गुरुग्राम में हम लेकर गए, हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने दरवाजे पर लगाया, मेरी एक कोर्ट में फाइल चल रही थी वो पूर्ण नहीं हुई। अगर वो कथा सुन रही हो, कुरुक्षेत्र की बहन, तो वो कथा सुन रही हो तो हम आपका स्मरण कर रहे हैं। एक फाइल कोर्ट में चल रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हमने अपने दरवाजे पर लगाया, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर चिपकाने का वो फल मिला कि हमारी फाइल 15 दिन के अंदर निपट गई और बाबा ने हमारे ऊपर कर। केवल एक मंत्र का उच्चारण, मंत्र का स्मरण भी हमें सुख दे जाता। दीपावली पर सब सामान खरीदने जाना, दिवाली पर पर्दे खरीदने जाओ, दिवाली पर सोफा सेट का कवर खरीदने जाओ, दिवाली पर तुम दुनिया का बर्तन भांडा, तुम जो खरीदना है तुम्हारे लिए, आभूषण रतन माणिक मोती कपड़े लत्ते सब खरीदने जाओ, तो दिवाली पर एक पूछो जाकर क्या तुम्हारे पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, एक बार मेरे शंकर को भी घर पर लाकर लगा दो, शिव को भी लेकर आओ। क्या तुम्हारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मिल रहा है? क्या तुम्हारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है? तुम हमारी दुकान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो तो देव, एक मैं अपनी दुकान पर लगाऊं, एक मेरे अपने घर पर लगाऊं। उस मंत्र का स्मरण हम करें, भटकना नहीं है हमको, हमको किसी के दरवाजे नहीं जाना, हमें किसी की चौखट पर नहीं जाना, हमें शिव पर आश्रित होना, शंकर। शिव महापुराण की कथा कर रही है सुलभा, विदुर जी की पत्नी, और वह विदुर जी की धर्म पत्नी जिसको आता नहीं कुछ भी, पर माता पिता उसको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना सिखा रहे हैं। अजय हुए नहीं आना, खुश हो, आराम से जाओ, अब तो जॉब लग गया ना बाबा के। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध शिव से जोड़, अपना संबंध विश्वास के साथ जिस दिन शंकर से जुड़ गए, पीलीभीत किस किस को आना है बोलो तो, जरा हाथ उठाओ, जरा आना है तो यहां से जब कल जाओ ना तो कहकर जाना, तेरी भूमि को प्रणाम कर कर जा रही हूं, एक महीना भी पूरा नहीं है, मैंने सुना है तू छप्पर फाड़ कर देता, देवता
पल्ला झाड़ के देते हैं और भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देते हैं। कहकर जाना वो नवंबर की कथा में पीलीभीत से पहले मेरे बाबा मेरी झोली ऐसी भर देना कि पीलीभीत में मेरा भी पत्र पहुंचे और पंडाल में बैठकर कथा सुनो। ऐसी कृपा तेरी चाहिए, दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो तू कर सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का, जो शिव की आराधना में लगाए, शंकर की आराधना से दूर नहीं है, शिव से दूर नहीं। भरोसा रखिए बाबा पर, विश्वास, आप किसी संत से कम नहीं हो। कड़कड़ाती हुई धूप में सवेरे 8-9 बजे से खड़े हो बैठे हो इंतजार कर रहे हो, आपकी तप साधना किसी से कम नहीं है। जो माताएं पंडाल के अंदर जाकर बैठ गईं, जरा विचार करिएगा, एक संत जैसे अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, ये मेरी जीजियां, ये मेरे जीजा, ये मेरे बेटियां, ये मेरे बेटा अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं, सवेरे से जगह संभाल कर बैठते हैं, वॉशरूम के लिए भी बाहर नहीं जाते, कहीं चले गए और कोई ने आने नहीं दिया तो हमारी जगह चली गई तो कितनी इंद्रियों पर संयम होगा, जरा विचार, अपनी इंद्रियों पर कितना संयम है। लोग कहते हैं ऋषि इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता है संत अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता है तपस्वी अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं। हम कहते हैं एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर देखिए, इन श्रोताओं के बीच में बैठकर देखिए कि इनकी इंद्रियों का कितना संयम होगा। भोजन थोड़ा सा करते हैं, कहीं जाना ना पड़े आना ना पड़े, पानी उतना पीते हैं कहीं बाहर जाना ना पड़े, और जिस भूमि पर बैठे हैं वहीं पर थोड़ी सी जगह मिलती है सो जाते हैं, जैसा मिलता है पा लेते हैं, बाबा का नाम लेते हैं, 5 दिन बोलबम का नारा, बाबा एक सहारा, उसके आश्रित होकर जीते हैं। 5 दिन तक अखंड व्रत तप कर 5 दिन कोई लुढ़कता आ रहा है, कोई दंडवत करता आ रहा है, ये नजारा कभी देखा जिंदगी में कि किसी कथा के पंडाल में किसी कथा स्थल पर लोग दंडवत करते जाते हैं, मंदिर लोग दंडवत करते जा सकते हैं, लुढ़कते लुढ़कते लोग मंदिर जा सकते हैं, पर कथा में कोई दंडवत करता हुआ नहीं आता। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें लोग 14-15-20-25 किलोमीटर दूर से 2 दिन पहले निकलते हैं, दंडवत करते करते झंडा लेकर निकलते हैं, प्रणाम करते करते निकलते हैं, पैदल चलकर निकलते हैं, भगवान शंकर की कथा में उस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, और बाबा भरता जरूर है, खाली छोड़ता नहीं। उनके अंदर वो भरोसा, वो विश्वास, वो दृढ़ता उनके भीतर है कि शिव मेरे साथ है। आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे दंडवत करते आ रहे हैं, छोटे छोटे कई महिला कई पुरुष दंडवत करते आ रहे हैं, उनका विश्वास प्रबल है। उनका भरोसा प्रबल है, प्रबल, उनका विश्वास के अनुकूल व आनंद के साथ में उनका भरोसा कहां जाएगा, वो विश्वास परमात्मा तोड़ेगा क्या। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को विश्वास कहा गया है, जब शंकर विश्वास हैं तो वो टूटे ना, शिव रूपी विश्वास जब टूटता नहीं है, शंकर पर किया गया भरोसा जब छूटता नहीं है, तो शंकर भगवान को कैलाश छोड़कर तुम्हारा दुख समाप्त करने के लिए दरवाजे पर आना ही पड़ता है, शिव को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ता है। और उसका प्रमाण है इतने सारे पत्र, उसका ये प्रमाण है, ये पत्र, जिनको हम बहुत सारा पढ़ भी नहीं पाते, इतना समय नहीं रहता कथा के अंदर कि हम इतने पत्रों को पढ़ें, पत्र ये प्रमाण देते हैं कि शिव क्या देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, किसी को अपना हाथ दिखाने से अच्छा है कि अपना हाथ एक लोटा जल भरो और महादेव को समर्पित करो। हाथ दिखाने वाला, हाथ कोई देख भी लेगा तो वो तुम्हारा भविष्य बता दे कि भूतकाल की वर्तमान जो बताना हो वो बताएगा, और होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं मान, पर एक लोटा जल जब हम महादेव को हाथ में रख कर शिव को समर्पित करेंगे तो ये निश्चित है
कि शंकर हमारे दुख को समाप्त जरूर करेगा, शिव हमारे दुख को समाप्त करेगा। देखा विदुर जी की पत्नी सुलभा, विदुर जी की, और विदुर जी की पत्नी सुलभा बाल्यवस्था में छोटी, माता पिता ने उसको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सिखाया, पार्थिव लिंग का पूजन। बच्चों को पढ़ने का बोलते हो, बच्चों को याद करने का बोलते हो, बच्चों को विद्याध्ययन का बोलते हो, बच्चों को काम करने का बोलते हो, तो महीने में एक बार बच्चों को पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी बोलो कि जा गमले में से मिट्टी लेकर आ, थाली ले और उसमें बैठ के पार्थिव शिवलिंग बना। भले बच्चा पूजन करे ना करे, बच्चा उस पर जल चढ़ाए ना चढ़ाए, बच्चा आराधना करे ना करे, पर बच्चों से कहो कि जा जरा थाली ला और बाहर से मिट्टी ला और मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, भगवान शंकर का शिवलिंग बना। बच्चे से कहो बना, निर्माण कर। मार्कंडे बाबा की कथा कहती है कि मार्कंडे बाबा ने क्या आराधना करी शंकर की वो पता नहीं, पर मार्कंडे बाबा ने अपने बाल्यवस्था में केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन से मतलब है कि भले वो जल चढ़ाए ना चढ़ाए, कुंकू चढ़ाए ना चढ़ाए, चंदन लगाए ना लगाए, हल्दी लगाए ना लगाए, चावल लगाए ना लगाए, पर उसने पार्थिव शिवलिंग का बनाया, निर्माण करा और वापिस उसको विसर्जन कर दिया। कुछ पूजन नहीं करी तो भी विसर्जन कर दिया, वो भी प्रमाण देता है, वो भी फल देता है हमको, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र देते। अपने बच्चों को नियम बनाओ, रोज कोचिंग जाए, ट्यूशन जाए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खूब प्रबल बने, खूब एजुकेशन करे, खूब नाम कमाए, पर अपने बच्चों से कहो महीने में एक बार जा बेटा गमले में से मिट्टी निकाल के ला, जा जरा बगीचे में से मिट्टी लेकर आ, जा नीचे ग्राउंड में से मिट्टी लेकर आ, थाली में बैठ और शिवलिंग बना। बच्चा शिवलिंग, मार्कंडे ऋषि की उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर निवेदन है, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने कोचिंग, जितने ट्यूशन, जितने मिलेंगे तुमको, वो सब आय बढ़ाने का तुमको आइडिया देंगे। क्या बढ़ाने का देंगे, जम के बोलो, जम के, आय बढ़ाने का आइडिया देंगे। जितनी कोचिंग क्लासेस वो सब आइडिया देगी, ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, फिर तुम्हारा बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, ये पढ़ाई करो ऐसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट चुन लो ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का काम करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने की बात करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का प्रयास करेगा, आय बढ़ाने का प्रयास करेगा, तुम्हारी आयु बढ़ाने का प्रयास कोई नहीं करेगा। शिव पुराण कहती है कि तुम्हारी आयु बढ़ेगी तो जो आय आई है उसका तो भोग भोगोगे। मालूम पड़ा, जोड़ो और जोड़ते जोड़ते 50 की उम्र में आए, सब जोड़ लिया, आय तो बढ़ गई, और मालूम पड़े 55 में बीमार पड़े और निपट के चले गए, तो आय किस काम की। इसलिए आय के साथ आयु बढ़ना चाहिए। आय के साथ आयु बढ़े। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा भोलेनाथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, भले पूजन करो ना करो, भले जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, ये तुम्हारे, परंतु भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे तो निर्माण करने से तुम्हारी आयु भी प्रबल होगी। आय तो होगी पर आयु भी प्रबल होगी, शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ीना मैं कटी जावांगी, बोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हन तो छड़ी ना मैं कटती जावांगी,
भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। एक शिव को अपना बनाने का प्रयास, सुलभा। सुलभा के माता पिता ने सुलभा को पार्थिव बनाने का निर्णय दिया, बनाओ पार्थिव। सुलभा ने पार्थिव बनाना प्रारंभ किया। कभी मौका लगे अपने घर में जो गमला तुम्हारे घर के अंदर, बगीचा नहीं होना तो चलेगा, गमला है छोटा सा, अरे बोलो तो जमके। काय का भी गमला हो, मिट्टी भरी हुई गमला है, अगर छोटा सा भी गमला हो ना तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जलाधारी बना लो और उसी पर थोड़ा सा जल तीन बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापिस उसी शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन कर दिया, उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी वो शिवलिंग आपकी आय और आयु दोनों को बढ़ाने का कार्य करता है। शिवलिंग का निर्माण आप शंकर के हो, ये शंकर आपका, आप स्वयं शंकर के हो जाइए और शिव आपका हो जाए। झोपड़ी बनाकर हस्तिनापुर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने महल से बाहर विदुर जी महाराज अपनी झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहने लगे। सुलभा शंकर की भक्त थी, इसलिए वो कोई अपशब्द भी कह देता था तो उसको स्वीकार था, वो कभी अपशब्द बोलती नहीं, कभी अपशब्द नहीं बोलती। सुलभा का नियम था, आड़ा टेढ़ा कोई बोले बोलने दो, अपशब्द कह रहा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, कुछ बोले बोलने दो, सुलभा का नियम। और सुलभा रोज भगवान की आराधना करती। विदुर जी मौन होकर बैठे रहते तो सुलभा ने कहा, किसी के बोलने से अपने शरीर पर क्यों अंतर आ रहा, क्यों? एक काम करो, अगर कोई अपशब्द कह भी रहा है ना, उसके विचारों को छोड़ते चलो, उसके विचारों को छोड़ते चलो। हम क्यों किसी बातों पर विमर्श करें, क्यों हम रोएं, क्यों हम विचार करें, किस लिए? सुलभा ने अपने पति को समझाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती जी ने शंकर को समझाया था, भगवान शंकर की कथा कहती है, रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश जी को समझाया था। शिव महापुराण की कथा कहती है, आद्य शक्ति माँ भवानी माँ दुर्गा, शंकर भगवान को कभी कभी ज्ञान उपदेश दे देती हैं, इसलिए उनको विद्या भी कहा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी धर्म पत्नी भी अपने पति को सतमार्ग बता सकती है, पर पति समझे तब नहीं, तो पति कह देते तू क्या जानती है, तेरे में तो अकल नहीं है, तू तो बुद्धि नहीं है, हट चुप, तुझे में क्या अकल है, तू क्या समझेगी। अरे भाई, जितना ज्ञान तुम में है उतना ज्ञान उसमें, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो अगर अच्छी बात कहे, जनमानस के कल्याण की बात कहे, श्रेष्ठ बात कहे, तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, पर नहीं कर। तुम क्या जानते हो, तुम क्या समझती हो, कभी कभी चित्तवृत्ति में आ जाते। और शंभु शरणे मांगो दुख काटो दया करी, शरणे
अब कभी कभी चित्तवृत्ति में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी अपनी चित्तवृत्ति में ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है जो विचार श्रेष्ठतम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है और देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, वो कथा का एक भाव प्रकट करता है। सुलभा ने अपने पति विदुर जी से बहुत सारी बातें कही। सुलभा ने कहा विदुर जी से, स्वामी तुम इतनी सी बात का क्या विचार करते हो? सुलभा ने कहा, सुलभा तुरंत बोली अपने पति से, इतनी सी बात का क्या विचार करते हो स्वामी, इतनी सी बात, आपको सोचना चाहिए। सुलभा ने जैसे कहा, विदुर जी की चित्त वृत्ति में बात बैठ गई और विदुर जी की चित्तवृत्ति में जैसे ही बात बैठी, विदुर जी महाराज ने उसी समय उसी पल उसी घड़ विचार कर लिया, सुलभा तू सत्य कह रही है, क्या करना चाहिए तू बता, क्या करा जाए। सुलभा ने कहा, स्वामी अय स्वामी, सुलभा कहती है आप क्या चाहते हो वो बताओ। विदुर जी ने कहा, सुलभा भगवान द्वारिका के नाथ भगवान कृष्ण की भक्ति मैंने जिंदगी भर करी है, भगवान कृष्ण के आराधना मैंने जीवन भर करा है, भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति मैंने जिंदगी भर धारण करी है, मैंने भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा है। सुलभा मैं चाहता हूं कि द्वारका नाथ जब हस्तिनापुर में आए तो मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारका नाथ मेरे दरवाजे पर भी पहुंचे, मेरे दरवाजे पर भी। और आप सबने एक पवित्र चरित्र श्रवण करा होगा, पवित्र चरित्र, दुर्योधन के मेवा त्यागे, सभी लोग गाइएगा साथ में, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दूर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सराई, सबसे ऊंची प्रेम सराई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन मेवा प्यारे साग भी दूर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सराई, सबसे ऊंची प्रेम सराई। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर कर सुलभा अपने पति से कहती है, मेरा शिव की आराधना करी है मैंने और मेरा विश्वास कहता है भगवान द्वारका नाथ शंकर के भक्त है, मेरा विश्वास कहता है शंकर के परम भक्त। देखो दो दिन की कथा है, आज की कथा थोड़े समय के बाद में विराम हो जाएगी, विश्राम हो जाएगी, एक कल की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक, बीच बीच में कार्यकर्ता लोग खड़े भी हो जाएंगे, उनको देखकर तुम भी खड़ी हो जाओगी, तुमको देखकर तीसरी खड़ी हो जाएगी, तीसरे को देख के चौथा खड़ा हो जाएगा, तुमको ही नहीं मालूम पड़ेगा खड़े क्यों हुए। खड़े वो नहीं हुए, खड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि शंकर भगवान भी चाहते हैं कि तेरी 5 दिन की भक्ति में थोड़ी त्रुटि हो जाए, त्रुटि हो जाए, अगर पूरी कथा सही से सुन लेगी तो मुझे झोली भरना पड़ेगा और अगर कथा में कसर रह गया तो फिर अगली कथा सुनने के लिए जाएगी तब झोली भरना पड़ेगा, इसलिए सावधान सावधान। कथा सुनने बैठो तो पहले विचार कर कर बैठो कि अरे ये तो सब चिल्लाते रहेंगे चलता रहेगा, भगवान की कथा सुनना है 5 दिन मन लगाकर चित्त लगाकर दिल लगाकर व्यक्ति लगा सुन। तुम लोग तो उसमें के हो गए जैसे एक मंदिर में एक पंडित जी आरती करते थे और मंदिर में पंडित जी आरती करते और उनको आरती के समय पर रोज शंख की ध्वनि आती, उनको लगता कोई शंख बजा रहा, आरती करते शंख बजा रहा,
छह महीने निकल गए पंडित जी की आरती करते, शंख की ध्वनि सुनाई देती। छह महीने बाद वो शंख बजाने की आवाज पंडित जी को नहीं आई। पंडित जी पूछते पूछते पास वाले गांव में गए कि भैया मैं आरती करता हूं, जब यहां कोई शंख बजाता है। वहीं पे कुमार था, घोट मोट कराया हुआ था गंजी, खूब चिल्ला चिल्ला के रोया, हाय रे मेरा संकेश्वर मर गया, हाय रे मेरा संकेश्वर मर गया, हाय रे मेरा संकेश्वर मर गया। पंडित जी ने पूछा कौन मर गया, कि मेरा संकेश्वर मर गया। पंडित जी को लगा कोई शंख वाले महाराज थे, वो मर गए विचार। पंडित जी को लगा कि इतना बड़ा महाराज मरा तो अपन भी घोट मोट करा, पंडित जी ने भी गंजी करा ली। पंडित जी गंजी करा के मंदिर में आरती कर रहे थे तो आरती में जितने लोग आए थे उन्होंने पूछ लिया, पंडित जी तुमने गंजी क्यों कराई? पंडित जी बोले, पास के गांव में एक शंख वाले महाराज थे, वो मर गए, इसलिए मैंने गंजी कराई। गांव के लोगों ने सोचा इतने बड़े महाराज थे तो अपन भी करा लो। अब पूरे गांव ने गंजी करा ली। एक गांव के लोग गंजे हुए तो दूसरे गांव में सूचना गई, उनने पूछा गंजों से तुमने क्यों गंजी कराई? हमारे गांव के पास गांव, गांव के पास गांव, वहां शंख वाले महाराज थे, आरती में शंख बजाते थे, मर गए तो गंजी कराई। आसपास के जितने 42-43 गांव थे सब गंजे हो गए। गांव के गंजे इकट्ठे होकर आगरा पहुंच गए और जैसे ही गांव के गंजे शहर में गए, शहर में गए तो वहां गंजे ही गंजे घूम रहे थे। कुछ लोगों ने पूछा तुमने गंजी क्यों कराई? हमारे गांव के पास गांव, गांव के पास गांव, वहां शंख वाले महाराज थे, मर गए तो गंजी कराई। मालूम पड़ा आगरा के लोग भी, साथ में शहर के लोग भी गंजी कराना प्रारंभ करे। अब शहर के लोगों ने गंजी कराई तो वहीं के एसपी को मालूम पड़ गया। एसपी ने कलेक्टर से कहा, सर बात समझ में नहीं आ रही, पूरे शहर में और गांव में गंजे गंजे दिख रहा है। उन्होंने कहा गंजों को, एसपी कलेक्टर ने गंजों को पकड़वाया। गंजों को पकड़वा के पूछा क्यों तूने गंजी क्यों कराई? उसने कहा मेरे परिवार वालों ने कहा। परिवार वालों को बुलाया, उससे पूछा तूने गंजी क्यों कराई? उसने कहा मेरे गांव के लोगों ने कहा। गांव के लोगों से पूछा तूने गंजी क्यों कराई? तो के उसने कहा, उससे पूछा तूने गंजी क्यों कराई? तो के पंडित जी ने कहा। पंडित जी से पूछा तूने गंजी क्यों कराई? तो के वो कुम्हार ने बोला। कुम्हार के पास गए, तूने गंजी क्यों कराई? तो के मेरा एक ही गधा था बेचारा मर गया इसलिए कराया। एक ही था बस, तुम्हारी भी हालत ऐसी है, ऐसी एक खड़ी हुई, दूसरी खड़ी। मालूम पड़ा थोड़ी देर बाद इति श्री रेवा खंडे सत्यनारायण कथा समाप्त। थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा हुआ क्या था। पंखा चल रहा था तो पंखे में क्या हुआ था, थोड़ा तेज चल रहा था तो उसका डंडा हिल रहा था तो मैं समझी गिर जाएगा। पड़ोसन ने कहा तू तो मेरी जान लेके मानेगी, अब तू पंखा चल। का चरित्र कथा है। सुलमा ने पति विदुर जी से कहा, भगवान द्वारका के नाथ जब हस्तिनापुर आए तो सबसे पहले सुलभा की शिव भक्ति के कारण एक शिव भक्त द्वारका नाथ सबसे पहले विदुर जी के घर पर आकर केले के छिलके खाकर गई, ये शिव भक्ति। शंकर की अविरल भक्ति सुख देती है। एक विदल उत्पल नाम के सुर थे जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर मारा था, तो शंकर जी का नाम कुंद कैश्वर महादेव। इस नाम को एक बार वापिस बोलिए आप, कौन से महादेव? कुंद कैश्वर महादेव। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जब आता है तो कुंद कैश्वर महादेव का नाम लिया जाता। दवाई शरीर पर असर ना करे तो जो दवाई डॉक्टर लिखे, हमने पहले भी कथा में कहा डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर अगर दवाई लिखा है तो उस दवाई को कुंद कैश्वर महादेव के नाम से खाइए, आराम लगना प्रारंभ। कुंद कैश्वर महादेव शिव महापुराण में एक बड़ा अगर मौका लगेगा आप 4 तारीख से प्रारंभ होगी हरियाणा के फरीदाबाद में,
बीच में 15-16 दिन का जो भी गैप है, इसके बीच में दीपावली उत्सव पड़ेगा। दीपावली का उत्सव है, धनतेरस का उत्सव है, रूप चौदस का उत्सव है, 31 तारीख की दिवाली है। तो आप और हम सब मिलकर धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली पर ऐसा क्या करें जिससे शंकर की कृपा हम पर हो और हमारा खजाना भी कभी खाली ना हो। तो हम प्रयास करेंगे कि बीच में 24, 25, 26 में ऐसा 3 दिन ऐसा रखेंगे। अभी तो हमने आस्था वालों से बात नहीं करी है, तो प्रयास करेंगे कि 24, 25 और 26 तारीख को हम लाइव आएं कुबेरेश्वर धाम से और आपको दीपावली की पूजन का महत्व भी बताएं और उसका तरीका भी बताएं।